इधर विदेश दौरा खत्म करके देश लौटे राहुल गांधी सीधे बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानने के लिए केरल पहुंच गए। राहुल ने राहत शिविरों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों का हालचाल लिया। केरल पहुंचे राहुल गांधी ने बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना, देरी से आने के लिए माफी मांगी और हर मदद का भरोसा दिलाया। Myself, PCC President and others are going to help as much as we possibly can. राहुल ने उन मछुआरों से भी मुलाकात की जिन्होंने जान जोखिम में डालकर बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाई थी। राहुल दो दिन के केरल दौरे पर हैं, बुधवार को वायनाड जाएंगे। कांग्रेस ने केरल में बाढ़ पीड़ितों के लिए 1001 घर बनाने का ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 5 करोड़ रुपए का खर्च चंदे से जुटाया जाएगा। उस समय तो दुनिया घूम रहे थे और भारत को गाली दे रहे थे और आज जा रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए। ये राहुल गांधी का असली चेहरा है, नॉन सीरियस व्यक्ति है राजनीति का, केवल बचकाना हरकत के सिवा कुछ नहीं। अब खबर तो समझिए कि राहुल गांधी विदेश से आने के बाद सीधे केरल के दौरे पर क्यों निकल गए। केरल में फिलहाल कांग्रेस विपक्ष में है। केरल में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है। केरल में कांग्रेस के पास 20 में से 8 लोकसभा सीटें हैं। पीएम मोदी ने केरल का हवाई सर्वेक्षण किया था। राहुल भी केरल की जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं। तो ये पूरा मामला सियासी नजर आता है।